गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे पॉलिटी के रिवीजन एमसीक्यूज पर। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम हम लोग का यूपीपीएससी का बहुत नजदीक है, तो ऐसे में एक क्विक रिविजन जो है बीच बीच में जरूरी है। जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यू अपनी चीजें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का थ्योरी सेशन, तो कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी मैं पॉलिटी के लेकर आया हूँ, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज भी इस तरीके से लेकर आऊंगा। चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो पॉलिटी रिविजन एमसीक्यू सेशन है ये हम लोग का। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में। वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्लेस पॉइंट ऑफ पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन आप लोग लेकर आता हूँ। अन अकेडमी के किसी भी कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PH10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध सभी ऑफर को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी रीजन एमसीक्यू की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन बाइलिंगुअल सीरीज होगी ये पॉलिटी की हम लोग की। खास तौर से इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो रखे हैं यूपीपीसीएस 2022 का जो प्रारंभिक परीक्षा उसको टारगेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास के इस पड़ाव में बनाए गए संविधान में कुछ नया होने की गुंजाइश बहुत ही कम है, यह कथन किसका है? आप लोगों को पता है यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में आजकल खूब पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी के सेक्शन में भी, उसी को ध्यान में रखे ये सेक्शन है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1, रखी गई ये स्टेटमेंट है आपका डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है, ये स्टेटमेंट संविधान के बारे में किसका है? डॉक्टर BR अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी एक संविधान की विशेषता नहीं है भारतीय संविधान? एक बार सेशन को लाइक शेयर सभी लोग जरूर कर दीजिए प्लीज। ध्यान दीजिए कि अध्यक्षीय प्रकार की हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय सरकार जो है हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक। निम्नलिखित देशों में से किसने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के निदेशक तत्वों को शामिल किया? क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में DPSP को शामिल किया? ध्यान देना है, सबसे पहले DPSP को शामिल करने वाला देश था आयरलैंड, ध्यान दीजिए, ठीक है, किसने किया था? आयरलैंड। निम्न में कौन से देश से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अपनाया गया है? मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान रखिएगा, रसिया से। कहां से लिए हमने मौलिक कर्तव्य? रूस से, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो का जो हमें मिलता है उद्देशिका से मिलता है कि हमारे निर्माता जो है कैसा संविधान चाहते थे, इसका जो है प्रतिबिंब दिखता है वो दिखता है उद्देशिका से। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित या समाविष्ट नहीं है?
नंबर सिक्स का उत्तर है आर्थिक स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आर्थिक न्याय की बात है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। क्वेश्चन नमस्कार। तो भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को किसमें उपबंधित किया गया है? क्वेश्चन नंबर सेवन, एक बार सेशन लाइक शेयर जरूर कर दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेवन, आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया है वो उद्देशिका और डीपीएसपी दोनों जगह पे किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं दिया गया है? क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, तो ध्यान रखिएगा लोक कल्याण शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, एकता अखंडता पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा इससे जुड़ा हुआ पीसीएस मेंस 2021 में क्वेश्चन जो है आपके इस बार आया था। प्रस्तावना को संविधान निर्मात्र सभा ने कब अंतिम रूप से स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन, कोई डेट इसमें से नहीं है, ठीक है। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? मेरे पीछे का दब गया है थोड़ा सा मामला इसका। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान रखिए तब स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कारण क्या उसके पीछे का कि हमारे यहाँ पे जो पंथ निरपेक्षता शब्द जुड़ा था, समाजवादी शब्द जुड़ा था, वो 1976 में जुड़ा था, ठीक है। निम्न में कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सही स्टेटमेंट है आपका सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल इंक्लूडेड है उसमें। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 13। तो सही भाव जो है वो है आपका भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 14। अखंडता, दिए गए शब्दों में अखंडता सम्मिलित नहीं, अखंडता मैंने बताया जैसा कि आपको 1973 में सम्मिलित किया गया है, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। रिपीट करके क्वेश्चन, लोक कल्याण शब्द जो है इसमें नहीं उपलब्ध है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न जो है ये हमारे संविधान में उद्देशिका में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले जिसकी शुरुआत हुई थी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में वो प्रस्तुत किया गया था सुप्रीम कोर्ट। सेम हो गया क्वेश्चन, मुंबई बनाम। निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान देना है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये व्यवस्था जो है अमेरिका की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्वेश्चन नंबर 19। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए विकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, बिना संप्रभुता के ध्वज राजधानी और शासनाध्यक्ष का कोई मतलब नहीं। निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। लाल फीताशाही सुशासन को समाप्त करती है, इसकी विशेषता नहीं है, इसकी कमी है ये, ठीक है, शासन की कमी है लाल फीताशाही। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अनअकैडमी पर आपको आना कैसे, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल उसको रजिस्टर करना है, सर्च गोल आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी, आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेंगी। इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपका मेरा कोड PS10 यूज करके आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी क्रम में बात करें तो देखिए 30 अप्रैल से आपको एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जा चुकी है जिसमें UPSC के लिए बूस्टर टेस्ट सीरीज है ये, और अगर फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो 15 मई को आपको मिलेगी 8 PM पर टेस्ट, जो कि UPSC से क्वेश्चन के तुलना में वैसे ही होंगे, और एक फुल लेंथ टेस्ट आपको 29 मई को मिलेगा जिसमें एकदम 150 क्वेश्चन 120 मिनट और 200 मार्क्स की होगी, एक पेपर से पहले पेपर का रिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बैच कोर्सेज की बात करें तो 27 अप्रैल से आपका एक लक्ष्य नामक एक बैच जो है शुरू हो चुका है नया, जो कि 2023 PCS की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए है। प्लस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से 13 अप्रैल से एक लक्ष्य नामक बैच चल रहा है जिसमें 1 PM पर आपको मेरी पॉलिटी क्लासेस मिल रही है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स अजय सर का उपलब्ध है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर उपलब्ध है। 6 तारीख से सुशांत सर का साइंस टेक का बैच चल रहा है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे सिर्फ वीडियो एग्जाम देना चाहते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कोर्सेस ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। जो लोग लेखपाल में एग्जाम में लगे हुए हैं वो लोग सिंगल लेखपाल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी मेरे रेफरल कोड के माध्यम से 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल वाले बच्चे भी आप ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड PS10 यूज कर सकते हैं। बच्चे में बड़ा कंफ्यूजन होता है आप पर PCS, लोअर PCS, आर ओ आर ओ, UPSI, UPSSSC, लेखपाल, बी और अपना सब्जेक्ट, ठीक है, हमें अलग अलग कोर्सेज एडमिशन लेना होगा, तो सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं।
अगर हम फीस की बात करें इसकी, तो जो 24 महीने की फीस है 14,999, 12 महीने की फीस जो है 10,299, 6 महीने की जो फीस है 8,399। रेफरल कोड आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस जो है 24 महीने घट के 13,499, 12 महीने की फीस आपकी घट के 9,269 रुपये, 6 महीने की फीस घट के आपकी 7,559 रुपये हो जाती है। रेफरल कोड याद रखिएगा, आपको PS10 यूज करना है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं आप 6 महीने 12 महीने कोर्सेस पर। बक्स बाउंड्री कार्यक्रम कृषि वीडियो कोई शिकायत शिकायत अकेडमी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? क्वेश्चन नंबर 21। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसका वर्णन हमें कहां पर मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका वर्णन आपको मिलता है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहां पर की गई? मेरे पीछे ढक गया है थोड़ा सा। ये आंसर है आपका मूल अधिकार DPSP और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो है आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है भारतीय संविधान प्रस्तावना में। ठीक है, मतलब जो बातें संविधान की प्रस्तावना में की गई हैं उनको प्राप्त करने के जो उपकरण है वो तीनों यही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं, आर्थिक न्याय की बात वहां पर की गई है। ठीक है, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किए गए थे? तो ये सम्मिलित, गुड इवनिंग मिस्टर W, ये सम्मिलित किए गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए 42वें संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किस नाम से? क्वेश्चन नंबर 25। सेशन लाइक शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 25, सिद्धांत को कहते हैं सार्वभौमिकतावाद। ठीक, सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से समान रूप से मानव है। गुड इवनिंग सारिका, स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस 2022 को टारगेट करके क्वालिटी का सेशन जो है आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीसीएस लेवल के एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ और सुधार 1 अप्रैल से करेंगे, ताकि आप लोग और भी जो है इम्पैक्टफुल क्लास जो है पीसीएस ओरिएंटेड मिल सके। क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहां से लिया? जैसा आपको पता है कहां से लिया गया है, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने जो है इसको लिया हुआ। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित है। मतलब ये वाला कंसेप्ट जो हम लोगों को पता है आपको, राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत किया जाता है, तो ये वाला कंसेप्ट हमने कहां से लिया ये पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 27, ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहां से? आयरलैंड के संविधान। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो आपको पता है शून्यकाल भारत में 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक के समय को वो कहते हैं। हाँ, डेली सी समय पे होगी अभी। ठीक है सर, इधर डेली शून्यकाल हमने कहां से लिया है या कहां की देन है ये? क्वेश्चन नंबर 28,
ये खुद भारत की देन है, ध्यान दीजिएगा, भारत का ही आविष्कार है शून्यकाल का। ठीक, भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताएं ली। किस देश ने राज्य नीति निषेध सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया, मतलब हमने ये डीपीएसपी कहां से लिया, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार आ चुका क्वेश्चन एग्जाम में, गलती भी हो जाती है आम इसमें। हमने डीपीएसपी का प्रावधान कहां पे से लिया है, कहां से लिया भाई, आयरलैंड के संविधान से इसको हमने लिया है। जैसा लाइक से प्लीज कर दिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। दोनों जगह समान रूप से उपलब्ध है। हमारे और अमेरिका के संविधान में कॉमन एक चीज क्या है, देखिए दोनों जगह कॉमन है हमारे यहां पर, संविधान के निर्वचन में परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, लोकहित मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था कहां से, पीआईएल। पीआईएल की शुरुआत कहां से हुई थी, क्वेश्चन नंबर 31। इसकी शुरुआत जो हुई थी यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, भारत में 1988 के आसपास जो है इसको लाया गया था, जस्टिस पीएन भगवती द्वारा। न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था कहां कहां है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, न्यायिक पुनर्वालोकन की जो व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों जगह पे पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन नंबर 33। तो छोड़ दीजिए, मेरे पीछे का छूट गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आपका ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली काम करती है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली इस संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है, किस रूप में भारत की ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए हमारे यहां पर न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति उपलब्ध है जैसा कि अमेरिका के पास है, लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्वालोकन जैसी कोई शक्ति वहां पर नहीं दी गई वहां के सुप्रीम कोर्ट। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 35। संघीय व्यवस्था हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है, क्वेश्चन नंबर 37। ये उत्तर आ रहा है आपका, सारी क्या है, तो सत्तावादी सरकार, इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ लोकतंत्र में नहीं है। बाकी चीजें, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है, हमारा संविधान इतना लंबा चौड़ा है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर भारत के संविधान में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों के जो है प्रावधान किए गए हैं, इस वजह से। ठीक है, लंबा चौड़ा हमारा सकता डी नहीं, डी होगा। ठीक है, भारतीय संविधान को या संघवाद को
सहकारी संघवाद किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 39 कई बार आ चुका क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 39 सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी जी ऑस्टिन ने। किसने दी थी? जी ऑस्टिन ने। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? क्वेश्चन नंबर 40 इसका स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिएगा, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, स्टेटमेंट दिया था बी आर अम्बेडकर। आप लोग प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, इसके माध्यम से आप मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं यहाँ पे कम्युनिटी पे अपडेट कर दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, आप लोग कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। अपने डेली 7:30 PM पर करंट अफेयर का सेशन आपको मिलता है, प्री सेशन है करंट अफेयर का, बेहतरीन सेशन करंट अफेयर का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन करके पीडीएफ नोट सभी क्लासेस का लिंक प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। डेली 6 PM पर आपको सेशन मिलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।